गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग एंड हैंडीक्राफ्ट बाय नेहा। आज मैं आपके लिए फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है क्योंकि हम इसमें बहुत सारे फ्रूट्स डाल के बनाने वाले हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा दूध ले लेंगे। ये बिल्कुल गर्म नहीं है, नॉर्मल दूध में मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है और अब मैं इसे इस तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर गर्म दूध आप बिल्कुल भी ना लें वरना हमारे कस्टर्ड में लम्स आ जाएंगे। और इसके साथ साथ जब तक मैं इसे मिक्स कर रही हूँ मैंने एक साइड पे दूध भी गैस पर रख दिया है। तो यहाँ पर हमारा दूध एक उबाला आ गया है इसमें। अब इसे धीरे धीरे इसी तरह से मिक्स करते हुए मीडियम लो फ्लेम पर मैंने इसे रखा है और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे जिससे नीचे दूध हमारा ना लगे। और अब उसके बाद ये जैसे थोड़ा सा एक उबाल आ जाएगा मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून शुगर ऐड किया है। शुगर ऐड करने के बाद मैं इसे और हल्का सा चला लूँगी और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और उबलने दूँगी। मैंने यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे उबलने दिया है। दूध को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें अपना कस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दूंगी और उसके बाद हम इसे एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स के लिए कंटिन्यूसली चलाते हुए इसे पका लेंगे। हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते ही रहना है नहीं तो हमारा कस्टर्ड नीचे चिपक सकता है और ये जल जाएगा। जब तक कि हमारा ये कस्टर्ड अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तब तक हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। उसके लिए हमें टोटल 4 से 5 मिनट लगेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम यहाँ पर अपने कस्टर्ड को रखेंगे और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस ऐड करूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखें और अगर आप इसे लगातार चला रहे हैं तो आप अपने कस्टर्ड को हाई फ्लेम पर भी लगातार चलाते हुए इसे पका सकते हैं। कस्टर्ड गाढ़ा हो रहा है और ठंडा होने के बाद अभी ये और गाढ़ा होगा। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे और जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाएगा हम इसे 1 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख के ठंडा कर लेंगे। हमें इसे जमाना नहीं है। 1 घंटे फ्रिज में रखने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें फ्रूट ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो चुका है और ये देखिए कितना गाढ़ा लग रहा है। अब हम इसमें अपने सारे फ्रूट्स को ऐड करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पर मैंने क्या क्या फ्रूट्स ऐड किए हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चॉप एप्पल ऐड किया है। यहाँ पर मैंने एप्पल्स के छिलके नहीं निकाले हैं, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। उसके बाद 1 बनाना और यहाँ पर मैंने 2 अनार ऐड किया है। आप फ्रूट्स बिल्कुल अपने टेस्ट और अपने पसंद के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पाइनएप्पल्स भी ऐड किए हैं। आपके पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल हों इजीली आप वो ऐड कर दें। और अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बादाम ऐड किया है, कुछ पिस्ता और कुछ काजू भी ऐड किए हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों या अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 1/2 आवर के लिए हम और ठंडा होने के लिए रख देंगे। उसके बाद हम अपने फ्रूट कस्टर्ड को सर्व करेंगे। तो अब हमारा फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर इसमें और अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैं लास्ट में इसमें एक और इन्ग्रीडियंट ऐड करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून बिल्कुल फ्रेश क्रीम ऐड की है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर दें, लेकिन इससे कस्टर्ड का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप बिल्कुल फ्रेश क्रीम इसमें ऐड ज़रूर करें। जो दूध पे जो क्रीम होती है ना वो वाली क्रीम आप इसमें ऐड करें, इससे कस्टर्ड का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब मैं इसे भी अच्छे से मिक्स करके 1/2 आवर के लिए मैं इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूँगी और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। आप ये फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। मैंने इसे व्हिपिंग क्रीम से गार्निश किया है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब मैं इसके ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारा फ्रूट कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है। आई होप आपको मेरी ये कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी एक फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी कैसी लगी। कस्टर्ड की डेकोरेशन बिल्कुल ऑप्शनल है, आप जैसे चाहें वैसे इसे डेकोरेट कर सकते हैं, ये आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे डेकोरेट करें। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है, तो बताइए ये कैसा लग रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल यमी एंड टेस्टी, तो इसे ज़रूर ट्राई करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।